नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बडी अध्ययत में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों खुशखबरी ही खुशखबरी, आज सोमवार था, बड़े लोगों को इंतजार था। जिन लोगों को दोस्तों, जो लोग इतना मंदी में थे, उनको जो लग रहा था कि आलू की इस साल स्थिति जाने क्या होगी, तो वो तो शुरू से ही थे, ठीक है। या तो शायद उन्होंने आलू नहीं खरीदा हो या उन्होंने अपने खेत में नहीं पैदा किया हो, उन लोगों को टेंशन ही टेंशन थी। तो दोस्तों टेंशन वाली बात नहीं है, आज सोमवार है और सोमवार को सभी मंडियों में फुल तेज़ी है। फुल तेज़ी से मेरा क्या मतलब है दोस्तों कि एक आध मंडी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आलू बहुत ज़्यादा मंदा होने वाला है, और एक आध मंडी अगर 30 रुपये किलो से ऊपर निकल जाए तो ऐसा नहीं होता कि आलू बहुत महंगा होने वाला है। तो ये तो मंडियों का खेल है दोस्तों, 8 महीने से हम भी जानकारियाँ मंडियों की ले रहे हैं, तो चलता रहता है ये सब। पर आज कुल मिला के बात करें तो फाइनली तेज़ी है आलू में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरा नाम वैभव शर्मा है और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्री बडी अध्ययत, जिसमें कि हम आलू के बारे में आप सभी लोगों को पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों बीज की निकासी हल्की हल्की हमारे यहाँ शुरू हो गई है, लोग बीज निकालने लगे हैं। पर एक सभी लोगों से निवेदन, एक तो वीडियो शेयर ज़्यादा किया करो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जब भी मैं वीडियो डालूँगा आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों कल दवा के बारे में, सीड ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दे दी थी मैंने, कैसे कौन सी दवा से बीज उपचार करें, तो वो भी वीडियो आप लोग देख लेना कल के शाम के टाइम के में, जिन लोगों ने नहीं देखा हो। और बाकी दोस्तों एक चीज़ सीधी सी बात, हरी सब्जी लगभग समाप्ति की ओर है, और गोभी भी देखो मंडी में तो ऐसी आ रही है बुरी सी, हर सब्जी ऐसी आ रही है अजीब सी, तो और महंगी रेट सब चीज़ की। तो दोस्तों आलू राजा अपना मोर्चा संभाले हुए हैं, और आलू राजा मुझे लगता है मोर्चा अपना संभाले रहेंगे। वैसे ये है दोस्तों कि आगे आने वाले समय में कुछ नहीं कहा जा सकता, पर यह है कि आज की तारीख में बढ़िया रेट मिल रहे हैं किसानों को। और मतलब जिल हमने कहा था आप आलू को धीरे धीरे करके बेचते रहिए, तो आदमी ने धीरे धीरे बेचा है। तो इस समय अगर किसी के पास 500 कट्टे भी रखे हैं तो आदमी खुश है पूरी तरह से, क्योंकि उसे 1100 रुपये 1200 रुपये आलू बिक रहा है, अपने टन काम हो गया। जो कहते हैं शर्मा जी आनंद आ गए इस साल, तो कोई बैनामा करा रहे हैं इस साल। और हमारे तहसील में दोस्तों टूंडला में इस समय सबसे ज़्यादा भीड़ मिलेगी। जो बढ़िया दिन होगा आप देखो उसमें धड़ाधड़ बैनामा हो रहे हैं इस साल किसान, एकदम मतलब जिनके पास पैसा सरप्लस है, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, वो लोग अपना काम जो रुके हुए काम थे उनको आराम से कर रहे हैं। अब कोई घर बनवा रहा है, कोई ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, कोई कुछ इम्प्लीमेंट खरीद के ला रहे हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें किसानों के मतलब खुशी का माहौल है, और दिवाली किसानों की बहुत बढ़िया जाने वाली है इस साल, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। पर मैं दोस्तों आज तक की अपडेट दे रहा हूँ, मुझे कल तक की भी नहीं मालूम है। कल मंडियों में क्या रहेगा वो मैं कल अपडेट दूंगा, इसलिए लोग ये नहीं सोचे कि शर्मा जी तो भविष्य बताने लगे। भविष्य नहीं है दोस्तों, मैं करंट के ऊपर बात करता हूँ। भविष्य में देखेंगे भविष्य में क्या होता है, मुझे नहीं मालूम भविष्य में बारिश कहाँ होने वाली है, मुझे नहीं मालूम कि भविष्य में आलू के रेट क्या रहेंगे। अभी हम कोई आंकड़ा नहीं लगा सकते, ना 2023 के बारे में बात कर सकते, अभी आज के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो तेज़ी है, तो तेज़ी के माहौल के बारे में बात करना ज़रूरी है, ठीक है। और मंदा अगर आता है बाई चांस तो उसके बारे में भी हम आप सब लोगों को अपडेट करते रहेंगे। तो जो लोग मंदी में थे उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, फिलहाल तेज़ी चल रही है, इसलिए आप लोग दूर रहो सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप ग्रुपों में से दूर रहो। सुबह एक व्हाट्सएप ग्रुप है मैं उसमें देख रहा, बड़ा भाई रौनक आती है। अगर कोई मंदे में आदमी अगर उसने ये भी कह दी कि इतनी गाड़ी इस मंडी में पहुँच गई, फिर तो सब चढ़ बैठते उसके ऊपर, ठीक है ना क्योंकि वो आदमी सोच रहा है। अब देखो क्या है दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग राय देते हैं, जैसे कुछ लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं, वो कहते हैं शर्मा जी ये हो रहा है, मार्केट टांगा जा रहा है, ठीक है, और व्यापारी लोग अपना माल निकाल रहे हैं, किसान आलू नहीं बेच रहा। पर मैं तो देख रहा हूँ किसानों की लाइन लग रही है, कोल्ड पे इतना आलू, किसान किसी को मौका काहे को लेने दे रहे हैं। ये समझदारी है। और दोस्तों आलू की बिक्री करो और करते रहिए, हर तरह के रेट में बेचो, आप मौका किसी को दो ही मत, पहले अपना आलू बेचो, धीरे धीरे करके बेचो। वो भी ये नहीं मत कह देना कि शर्मा जी ने कह दी थी बेच लो, अपना हिसाब से अपना ओला ओला करके बेचो, मतलब हर तरह का भाव लो। 1200 हो जाए तो 1200 में 100-200 बेचे आओ, ठीक है, हर तरह के भाव लेते रहो। बाकी ये है दोस्तों भरपूर तेज़ी है सारी मंडियों में, एक मंडी बस डाउन है उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले शुरू करेंगे गुवाहाटी मंडी से। तो गुवाहाटी में दोस्तों आलू मैं पुराना और नया दोनों बताता हूँ। लोग 1200 रुपये 2200 रुपये किलो आलू बिक रहे थे, 21 22 साढ़े 21 21 रुपये जब गुवाहाटी बिक रही थी, तो कोल्डों पे आलू बिकने लगे थे 800 सवा 800 साढ़े 800 रुपये। अब आज समय 650 रुपये किलो तो गुवाहाटी बिक रही है दोस्तों। हल्के आलू की बहुत खपत करी है गुवाहाटी मंडी ने इस साल, और हल्की क्वालिटी का आलू 22 से लेकर 23 रुपये किलो तक बिका है। जोधपुर दोस्तों आज बिकी 18 से लेकर साढ़े 19 रुपये किलो तक, हल्की क्वालिटी के आलू बिके 16 से लेकर 17 रुपये किलो तक। बात करें दोस्तों चेन्नई की, तो चेन्नई आज बिकी 29 से लेकर 30 रुपये किलो तक एक्स्ट्रा पर आलू। कहाँ चेन्नई 24 रुपये किलो बिकती थी दोस्तों, वो आज चेन्नई 30 रुपये किलो बिक रही है। और लगभग अब मैं एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाऊँ तो चेन्नई का भाड़ा आप मान लीजिए होगा करीब 500 रुपये कुंटल का, 550 रुपये कुंटल का सारा खर्चा मान लो। तो इस समय 30 3000 रुपये कुंटल बिक रही है, तो 1550 रुपये, अरे 600 घटा दो मोटा मोटा, ठीक है, सारा 600 घटा देते हैं तो आप जो समझो 3000 माइनस 600 2400 रुपये, तो 1200 रुपये के पैसे दोस्तों चेन्नई से ही आने लगे हैं। तो 1200 रुपये की खरीद हो रही है। तो लोग जो कह रहे हैं कि 1200 रुपये कैसे खरीद रहे हैं व्यापारी, तो मैं बता दूं कि चेन्नई से ही 1200 रुपये कट्टे के पैसा लौट के आ रहा है। जो VIP आलू VIP चाहिए, ये मत सोच लेना दिमाग में कि हर तरह का आलू बिकता है, वहाँ गोल और एकदम VIP आलू बिकते हैं, मोटी टपक के चमकदार। बात करें दोस्तों 10 गाड़ी की अराइवल है चेन्नई में। बस अराइवल दोस्तों सब मंडियों में कम है। एक जी और मैं बात बता देता हूँ, अराइवल इसमें चेन्नई में 18, 20, 21, 21 गाड़ी पहुँचती थी, आज 10 ही गाड़ी है मात्र। और दोस्तों लोकल जो कोलार चल रहा है वो भी 10 गाड़ी है मात्र। तो ये भी एक साथ के साथ सुनते चलना ये सारी चीज़ें। ये मत सोच लेना कि शर्मा जी तो बिल्कुल मतलब ये अराइवल घटे है, अराइवल भी 10 गाड़ी है। अब बाई चांस 18 हो गई तो क्या भाव रहा है ये मुझे नहीं मालूम है, पर आज की तारीख में आज के अपडेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। बात करें दोस्तों कोलार की तो 30 से लेकर 35 रुपये किलो तक नए आलू बिके, हल्की क्वालिटी का 28 से 29 रुपये किलो तक। पर एक बात तो है, दिवाली मन गई किसानों की, ठीक है ना। और मुझको दोस्तों जितनी खुशी है इतनी तो किसी को हो ही नहीं सकती है, क्योंकि दोस्तों एक बात और माननी पड़ेगी, थोड़ा सा श्रेय मैं भी ले लूँ पंजाब और आप लोगों को। मैं भी यहाँ से 4 बजे भागा था शाम को, रात को 2 बजे पंजाब पहुँचा था। आप लोगों को सबको अपडेट दी, ऑल ओवर इंडिया को अपडेट दी, सबने देखा, आड़तियों ने भी देखा, सारे व्यापारियों ने भी देखा और सारे किसानों ने भी देखा। और वो अपडेट सबने देखी, सबको मालूम पड़ी कि हाँ फसलों में नुकसान है वाकई में। ग्राउंड से जो लेवल से दोस्तों काम किया और आप सब लोगों को फ़ायदा हुआ। और मैं ये कह रहा हूँ, मतलब मैं भी खुद किसान हूँ, मुझे मालूम है कि मेरे को अंदर से कितनी खुशी है। जो आलू की जो रेट बढ़े हैं इसमें मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को। जो मेरा जाना था, जो मेरा मैंने डीजल फूंका, जो भी किया मैंने दोस्तों, वो सब सफल हो गया। YouTube जितना पैसा देता है उतना मैं आप सब लोगों के लिए खर्च कर देता हूँ। बाकी अतिरिक्त तो मेरी दुकान है, मैं उससे अपना खर्चा और अपना खेती बाड़ी है, सब काम सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं कह रहा हूँ कि इतने लोगों की दुआएं मिलती हैं, दुआओं के लिए जगह नहीं है। आप ये समझ लीजिए, इतने व्हाट्सएप पे मैसेज, इतने लोग मिलने आते हैं। बस आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों आज बस थोड़ा सा एक बेंगलोर ने निराशा कर दी, बेंगलोर आज डाउन हो गई बेंगलोर। और दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुपों में भाव न देखा करो, बहुत सब उल्टे सूधे डालते हैं। बेंगलोर आज 25 से लेकर 26 रुपये किलो तक ऊंचे में बिकी है और हल्की क्वालिटी का 22 से लेकर 23 रुपये किलो आलू बिका है। बेंगलोर डाउन है आज। अब क्यों कारण होता है, बारिश बारिश हो गई होगी। बात करें दोस्तों पूना की तो एक्स्ट्रा सुपर आलू आज बिके हैं 22 से लेकर 23 रुपये किलो और लगभग 21 गाड़ी की अराइवल है। और हल्की क्वालिटी का आलू 20 से 21 रुपये किलो और ज़्यादा हल्के 18 से 19 रुपये किलो बिक रहे हैं दोस्तों पूना में। पूना मंडी में डिमांड है आलू की बढ़िया। और त्यौहार आ रहा है दोस्तों, हर पैकारी सोच रहा है कि जल्दी लेके रख लूँ, आगे पता नहीं क्या हुआ। तो बात करें दोस्तों नासिक की तो एक्स्ट्रा सुपर आलू 22 से 23 रुपये किलो बिके, हल्की क्वालिटी के 20 से 21 रुपये किलो। बिहार की दोस्तों मंडी वहीं की वहीं है, उनमें नहीं तेजी। गुल्ली एक्स्ट्रा सुपर वही 15 से 15.5 रुपये किलो बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के 12 से 13 रुपये किलो। हॉलैंड 17 से 18 रुपये किलो तक, 19 तक बिक गया था, अब 18 बिक रहा है। हल्की क्वालिटी का 16 से लेकर 17 रुपये किलो तक। और किर्री बिक रही है 11 से 12 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी के 9 से लेकर 10 रुपये किलो तक। और किर्री की भी स्थिति कोल्डों पर खराब है, ठीक है। बात करें दोस्तों कानपुर की तो एक्स्ट्रा सुपर गुल्ला बिक रहा है 13 से लेकर 14 रुपये किलो तक, हल्की क्वालिटी का 11 से 12 रुपये किलो। हॉलैंड बिक रहे हैं एक्स्ट्रा सुपर 19 से लेकर 20 रुपये किलो तक, लाल आलू में तेजी है। और हल्की क्वालिटी का हॉलैंड 17 से 18 रुपये किलो। सफ़ेद मोटा एक्स्ट्रा सुपर मोटा आलू 17 से 17.5 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का नॉर्मल 15 से लेकर 16 रुपये किलो तक। जयपुर दोस्तों 18 से 19 रुपये किलो तक बिकी हल्का बढ़िया आलू, हल्की क्वालिटी का 16 से लेकर 17 रुपये किलो तक। मुंबई की बात करें दोस्तों तो मुंबई आज 1 रुपये डाउन है। मुंबई आज एक्स्ट्रा सुपर बिकी है 21 से लेकर 22 रुपये किलो तक, हल्की क्वालिटी के आलू 18 से 20 रुपये किलो। गीला आलू सीधी लोडिंग वाला 18 से 21 रुपये किलो और आपका हाइब्रिड 17 से 19 रुपये किलो बिके हैं। यूपी का हॉलैंड 16 से 18 रुपये किलो। एमपी का कोलार आलू 20 से 25 रुपये किलो, लॉकर आलू सॉरी। एमपी का ज्योति 22 से 25 रुपये किलो और एमपी का चिप्सोना 15 से 17 रुपये किलो। और गुजरात का दोस्तों पुखराज की अगर बात करें तो 12 से 16 रुपये किलो। गुजरात का आलू बिकता था मंडियों में, मुंबई की मंडियों में पूरा सबसे ज़्यादा कब्जा रहता था गुजरात का। अब यूपी का कब्जा है भारत की हर मंडी में, ठीक है ना। तो दोस्तों क्वालिटी पैदा करो, बढ़िया पैदा करो और जहां आलू अपना यूपी का पहुंचे एकदम तहलका मचा दे। गुजरात वाले किसान भी मेरे बहुत खास हैं, बंगाल के भी सब खास हैं, पंजाब के ही खास हैं। पर दोस्तों थोड़ा सा यूपी वालों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए मुझे रखना पड़ता है क्योंकि मैं खुद यूपी से हूँ। तो जो अपना नेटिव, जो अपना घर, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, थोड़ा सा उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना पड़ता है। बाकी आप सब लोगों को भी भरपूर पैसा मिलना चाहिए आलू में और मुझे लगता है कि गुजरात और बंगाल में भी रेट आलू के बढ़ेंगे, ये ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। अब तुम जो कहोगे मैंने कह दी तो ये पत्थर की लकीर नहीं होगी, पर मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। बात करें दोस्तों दिल्ली आज़ादपुर की तो दिल्ली आज़ादपुर में आज थोड़ी सी सुस्त है ले वाली। एक्स्ट्रा सुपर चंदौसी के चिप्सोना 1100 से 1125 रुपये। आगरा अलीगढ़ के चिप्सोना 1000 से लेके 1050 रुपये। एक्स्ट्रा सुपर चंदौसी का सूर्य 1200 से 1250 रुपये, आगरा अलीगढ़ का सूर्य 1000 से 1050 रुपये और 3797 एक्स्ट्रा सुपर बिक रहे हैं 900 से 1000 रुपये तक और हल्की क्वालिटी के 3797 800 से लेके 825 रुपये तक और हाइब्रिड 700 से 800 रुपये बिक रहे हैं। और दोस्तों कुछ कोल्ड वालों के लिए मैं हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करना चाहूँगा, निवेदन ही कर सकता हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि वो लोग तो यूट्यूब चैनल वालों को खूब गाली देते थे पर इस साल चलो तारीफ हो रही है हमारी। सब किसान भाई जितने भी यूट्यूब वाले हैं अब सबकी मेरे हिसाब से तारीफ़ हो रही होगी, यूट्यूब का नाम ले लिया तो जितने भी चैनल आलू के लिए काम कर रहे हैं सबकी तारीफ़ हो रही है, इतनी हो रही है कि पूछो मत। और आप जो समझ लीजिए लोग कह रहे हैं कि हाँ डिजिटल मामला है, यूट्यूब चलने लगा तब से किसान जागरूक हो गया, पर दोस्तों 1% लोगों में भाई हर जगह कहीं ना कहीं, अब तुम जो कहो कि 5 उंगलियाँ एक सी नहीं होती, हर तरह का आदमी दुनिया में बैठा है। अब हमारे आगरा रोड पे कुछ कोल्ड स्टोर वाले ऐसे जिनके यहाँ 1000 रुपये भी नहीं आलू बिक रहे, 950 रुपये बिक रहे हैं। अब नाम ले दूंगा तो तहलका मच जाएगा, पर नाम लेना ठीक नहीं है, नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ 2 दिन और इंतज़ार कर लो, 2 दिन बाद नाम लेना शुरू कर देंगे यहाँ तो खुल के, सही है ना। कम मद्दा अगर आलू बिक रहा है दोस्तों तो ठीक है ना। अब जो रिव्यू जो कारों का और इनका रिव्यू करते हैं, बड़ी बड़ी हुंडई कंपनी टाटा कंपनियों के रिव्यू लोग करते हैं और जो अपनी ऑल ओवर इंडिया की कंपनियों के जो यूट्यूब चैनल वाले तो वो अच्छा बुरा में फ़र्क दिखा देते हैं, उन्हें कोई डर का आएगा एक बार बताओ। तो दोस्तों हम भी अच्छे बुरे में फ़र्क बता सकते हैं और जल्दी ही बताना शुरू कर देंगे। तो आगरा रोड के कुछ कोल्ड स्टोर वाले मेरे हाथ जोड़कर उनसे निवेदन है, बिक्री ने सही कर लो, बहुत दिन कमीशन खोरी और जे क्या कहते हैं व्यापारियों पैसे 100 रुपये कट्टा 50 रुपये कट्टा कर लिया हिसाब किताब, या खुद ने खरीद करके खूब मोटा पैसा कमा लिया। अब अगली साल भी आने वाली है, 2-4 महीने बाद खेतों पर डोलना पड़ेगा तुमको, ठीक है पता है ना, मेड़ों पे सरकत दे डोलोगे, मतलब क्या है, इससे ऐसी व्यवहार बना लोगे कोल्ड स्टोर की कुर्सी पे से उठ के आपको जाना नहीं पड़े और आलू धड़ाधड़ आपके पास आता रहे, ठीक है ना। ऐसी दुकान सजाइए जिससे अपने ग्राहक दंदना के आता रहे, लाइन लगी रहे आप लोगों के पास, तो ये व्यवहार से होगा, ठीक है ना। तो ये सब व्यवहार काम आता है, आप जो सोचो जो पुराना ज़माना चला गया, अब हर किसान जागरूक है, ठीक है। और बड़ा हिसाब किताब इस समय बड़े कानून भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के काम करें तो ठीक है ना, कहीं कहीं पैसा भी नहीं काम आ पाता और कोल्ड तो भरना ही पड़ेगा अगली साल, और इसलिए थोड़ा सा बढ़िया तरह काम करो समझदारी के साथ। और दोस्तों पंजाब के बारे में अपडेट दे दूँ, वीडियो तो लंबा हो ही रहा है और पर आज मेरा मूड है कुछ, पंजाब की फसल बढ़िया आ रही है दोस्तों और एग्जैक्ट मैं 1-2 दिन में बता दूंगा आपको कब तक मंडियों में आ जाएगी ऊना की फसल की बात कर रहा हूँ, सॉरी मेरे मुँह से पंजाब निकल गया, ऊना। और पंजाब होशियारपुर में बुवाई अब तक हुई है लेट तक क्योंकि खेत सूख पाए और जो अगेती एक आध कहीं कुछ बच गया था वो भी धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे उपज के तैयार हो रहा है और अपनी वो मिट्टी चढ़ा रहे हैं, व्यवस्था बना रहे हैं। ऊना की फसल बहुत बढ़िया आ रही है दोस्तों, तो एक उसका भी ध्यान रखें, समय पर आएगी तो है नहीं, लेट ही आएगी, समय पर कहाँ नहीं है, आनी है, लेट है मामला, तो तब तक कोल्ड के आलू को मौका मिल रहा है। और दोस्तों खूब बढ़िया रेट मिल रहे हैं, सभी किसान भाइयों से निवेदन मेरा, धीरे धीरे बिक्री करें, अपने बुद्धि विवेक से काम करें, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना दोस्तों, धन्यवाद मेरे किसान साथी।